जबलपुर में मूल निवासी संघ द्वारा एक कार्यक्रम भेड़ाघाट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मूल निवासी समाज की समस्या का निवारण किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि संघ के लोग 4000 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा कर रहे हैं और नर्मदा के आसपास रहने वाले मूल निवासी समाज के लोगों को उनके हक और अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रदेश में 85% आबादी मूल निवासी समाज की आबादी है, लेकिन इस समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। उसी कार्यक्रम में पुस्तक का भी विमोचन किया गया। आज का जो हमारा कार्यक्रम रखा गया है वो हमारे कोषाध्यक्ष के आचार्या जी के द्वारा पदयात्रा की गई है, हमारे समाज में एकजुटता लाने के लिए, हमारे समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, और आज उस यात्रा का समापन है। इसी उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा है। क्या संदेश दिया है पदयात्रा में? उन्होंने पदयात्रा में ये संदेश दिया है कि जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकृतियाँ फैली हुई हैं, लोग नशे में लिप्त हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में व्यापार करना में जा रहे हैं, अपने मूल निवास से बाहर जा रहे हैं, उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने ये संदेश देने के लिए यात्रा की है। आपका नाम? अंजू डेरिया, जिला अध्यक्ष। आज हमारी सामाजिक नर्मदा यात्रा थी जिसका समापन हो रहा है, और ये यात्रा 4000 किलोमीटर की थी, और नर्मदा के किनारे किनारे जो हमारा समाज है, बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, उनसे मिलने की यात्रा थी ये। और उनसे मिलने के बाद हम आ रहे हैं, उनको जो है संगठित करने की बात कर रहे हैं, उनको जागरूक करने की बात कर रहे हैं, शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, और हमें अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी बात भी उनसे कर रहे हैं जी। लगभग कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? हम 7 लोग थे। मैं खेमराज झारिया हूँ, मैं नर्स जबलपुर और रायपुर का हूँ। राधे श्याम मेहरा जी हैं, ये भेड़ाघाट के हैं। एक अरविंद जी हैं जो इधर के हैं, नरसिंहपुर से हैं, और शिवम झारिया हैं जो भोपाल रोड के हैं, और संत राम झारिया हैं वो झालौन के हैं। अभी कितने लोग आपके इसमें जोड़ चुके हैं? नहीं, हमने देखी 4000 किलोमीटर की यात्रा की, तो जो भी गाँव पड़े मूल निवासी समाज के, हमने उनसे बात की और वहाँ एक मीटिंग की, उनके नाम नंबर नोट किए और उनको बातें समझाएं कि आप 85% हो पर राज कोई दूसरे कर रहे हैं, और मूल निवासी क्यों बाहर है। कुछ समाज ऐसे हैं जिनको सत्ता से बिल्कुल बाहर किया है, चाहे वो माझी समाज हो, महारा समाज हो, रजक हो, सैन समाज हो, इनको तो एक भी विधायक और सांसद बनाया नहीं जा रहा है। और कुछ 1% जनसंख्या है, उनको जो है 7-7 और 8-8 विधायक उनके हो रहे हैं। ये बात उनको समझा रहे हैं, और इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में सबकी बराबर की हिस्सेदारी है, और वो हिस्सेदारी हमको नहीं मिल रही है। उन सभी समाजों को समझा रहे, उनको संगठित करने का प्रयास कर रहे कि आप अपना हक मांगो, लड़ो, छीनो जी। ये कार्यक्रम लगातार आपका जारी रहे? अभी तो शुरू हुआ है जी। आपका शुभ नाम? मैं खेमराज झारिया, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर GST हूँ छत्तीसगढ़ से, और मेहरा समाज महासंघ का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ मैं। GST कमिश्नर की शक्तियों को जानते हैं। आज हमारी नर्मदा यात्रा जो 4000 किलोमीटर जो हमारे युवाओं को एक नई ऊर्जा और एक क्रांति, जो व्यसन और गलत दिशाओं में जो जा रहे हैं, और हमारे साथ जो शासन राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो हमारे समाज के साथ है, मूल निवासी समाज के साथ जो भेदभाव और अन्याय की जो राजनीति कर रही हैं, उसके लिए हमने समाज को संगठित और एकत्रित करने का काम किया है। और आगामी समय में हम मध्य प्रदेश में मूल निवासी समाज एक नया इतिहास लिखेंगे, और हम इन राष्ट्रीय पार्टियों को घुटने पर लाके रहेंगे। पदयात्रा में आप लोगों ने क्या संदेश दिया है? हमने लोगों को यही संदेश दिया है कि आज आज़ादी के 75 वर्षों से जो हमारी मूल निवासी समाज शोषित समाज है, उसे अब संगठित होने, एकत्रित होने की ज़रूरत है, और आज हमारे युवाओं को नशीली चीज़ों से दूर होने की ज़रूरत है। अब हमें संगठित होकर एक लड़ाई लड़ने की और एक क्रांति की ज़रूरत है। राधे झारिया, समाज सेवक, जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।